हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ न्यू यामा FZS F5, जो आया है न्यू कलर के साथ। सो बेसिकली यहाँ पर न्यू कलर मिल जाता है जिसका टेक्निकल नेम है कयान मेटालिक 7। सो बेसिकली आप कह सकते हैं फिरोजी कलर है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी बाइक में कोई चेंज नहीं है। प्राइसिंग की बात करें, एक्स शोरूम दिल्ली मिल जाता है 1,16,500। दोस्तों ये इसका एक्स शोरूम प्राइस है। ऑन रोड प्राइस के लिए डीलरशिप विजिट करें सहानी यामा। अब बात करते हैं कंप्लीट बाइक की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, बाइक में कोई भी चेंज नहीं है। बाइक में आपको सेम 149cc एयर कूल्ड इंजन मिल जाता है, जहां पर आपको 5-स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स मिल जाता है। उसी के साथ साथ यहां पर आपको जो स्पीडोमीटर है वो पुराने वाला मिलता है, बिकॉज यहां पर ही आपको ओल्डर वर्जन मिलता है F5 वर्जन, जहां पर आपको छोटे वाला डिस्प्ले मिल जाता है। बट इस बाइक का प्लस पॉइंट ये है कि यहां पर आपको इसका प्राइस काफ़ी कम देना होता है, जहां पर आपको सेम इंजन परफॉर्मेंस मिल जाती है वर्जन 3 वर्जन 4 वाली। उसी के साथ साथ यहां पर आपको सेम स्विच असेंबली मिल जाती है लेफ्ट एंड राइट में, जैसे कि आप देख सकते हैं। ओवरऑल डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है, डिज़ाइन बिल्कुल सेम है तीनों ही सेगमेंट का। बट यहां पर अगर हम बात करें कलर ऑप्शन की, रेयर ग्रिल की, टेल लाइट की, सो काफ़ी डिफरेंट कर देती है प्राइसिंग को, बिकॉज यहाँ पर आपको रेगुलर मिल जाती है हेलोजन बेस टेल लाइट। सो यहाँ पर आपको F5 वर्जन में टेल लाइट आपको हेलोजन बेस मिलती है, टर्निंग सील में भी आपको हेलोजन मिलता है। सो आप कह सकते हैं ये पुराना सेटअप है, बट यहाँ पर भी आपको फ्रंट में ABS मिल जाता है, रेयर में भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है। ओवरऑल सेम बाइक मिलती है, बट यहाँ पर जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो हेडलाइट का है। हेडलाइट आपको पुराने वाली मिल जाती है, बट यहाँ पर आपको ये LED हेडलाइट मिलती है, जो कि क्लासिक डिज़ाइन से इंस्पायर्ड है। वहीं पर अगर हम न्यू वाली की बात करें, न्यू में आपको इस तरह की हेडलाइट मिल जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं वर्जन 4 में आपको ये हेडलाइट मिलती है, जो काफ़ी डिफरेंट कर देती है कंप्लीट बाइक को। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ा स्पीडोमीटर मिल जाता है, जो आपको MT15 में देखने को मिलता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जस्ट एक छोटा सा कंपैरिजन भी है कि आपको डाउट ना हो कि दोनों बाइक में डिफरेंस क्या है। सो यहाँ पर आपको MT15 वाला स्पीडोमीटर मिल जाता है, उसी के साथ साथ सेम आपको हैंडल बार, सेम स्विच असेंबली मिल जाती है। ओवरऑल डिज़ाइन सेम मिलता है, इंजन सेम मिलता है, बट यहाँ पर प्राइस डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर अभी मैं बात कर रहा हूँ न्यू कलर कियान मेटालिक 7, जो फिरोजी कलर है आप कह सकते हैं, और ये मैट फिनिश के साथ आया है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैट फिनिश की खास बात ये होती है कि मैट फिनिश हमेशा एक जैसा दिखता है। ग्लोसी में आपको स्क्रैचेस दिख जाएंगे, बट इसमें आपको बिल्कुल भी स्क्रैचेस नहीं दिखेंगे। ये बाइक E20 कंप्लायंट है, दैट मीन्स अपकमिंग जो फ्यूल होगा उस पर भी इजीली राइड करेगी। कंफर्टेबल सीट मिल जाती है, सिंगल सीट है यहाँ पर राइडर प्लस पिलियन के लिए। सो ओवरऑल कंप्लीट पैकेज है। एक्स शोरूम जैसे कि मैंने बताया 1,16,500 दिल्ली मिल जाती है। आपकी क्या राय है इस बाइक को लेके, क्या आप इस बाइक को कंसिडर करेंगे या वर्जन 4 की तरफ जाना चाहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।